हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा सभी आप? तन्वी, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? कैसे हो? अच्छे हो ना? से फाइन मैम। ओके सो बेटा, I welcome you all in my English grammar class. Okay, and earlier we have done singular and plural beta, exercise number 1 and half of 2 we have completed. Okay, half portion of second exercise we have to do now. Shall we start now? Start kare. Open your notebook Angel, are you ready beta? You are taking two less classes, I don't know why. Okay, if you have opened the notebook then start writing date. Okay, and which day is today beta? It's Tuesday, right? Right, chapter, which chapter we are studying? Chapter 3. Second exercise, fill in the blanks. Okay, fill in the blanks and we have completed till F na, F tak ho gaye the na, chaliye F se aage kare, G se start karte hain hum. G sentence is Neha has five. Neha ke paas five kya hai? Apple hai ya apples hai? Give me answer quickly beta. Apple or apples? Five. We are talking about one, more than one. Then it will come apples. Hai na? Apples aayega na? Okay. H. Vaibhav. Loves to read. क्या आएगा इसमें? बुक आएगा या बुक्स आएगा बताइए. वैभव loves to read book या बुक्स, क्या आएगा? वैभव को पढ़ना पसंद है. किताब या किताबें? बुक्स आएगा इसमें. वैभव लव्स टू रीड बुक्स. वैभव को किताबें पढ़ना पसंद है. ठीक है, कोई सी भी बुक हो उसको पढ़ना पसंद है. I, my mother bought a new
अ न्यू मेरी मदर ने एक नई खरीदी. अब एक खरीदी तो उसके लिए क्या आएगा, कार आएगा या कार्स आएगा? क्या आएगा? कार. एक कार खरीदी. ठीक है बेटा. मेरी मदर ने मेरे लिए एक क्या खरीदी? कार खरीदी है ना. नाउ जे द डैश इज, बताइए क्या आएगा यहाँ पर? इज, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इज हेल्पिंग वर्ब कम्स विद सिंगुलर और प्लूरल. किसके साथ आती है? Kept on the table. क्या आएगा इसमें? पेन आएगा या पेंस आएगा? क्या आएगा? Very good शक्ति and प्रियंजल, you are also right बेटा. पेन आएगा यहाँ पर, because here is इज हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स विद सिंगुलर नाउन. ओके, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है. क्लियर? चलिए आगे शुरू करते हैं. थर्ड एक्सरसाइज. नाउ वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज नंबर थर्ड. ओके, राइट द प्लूरल्स. राइट द प्लूरल्स ऑफ द of the following singular nouns. ठीक है. Write the plurals for the following singular nouns. Now we have to write plurals. Okay. Okay, beta. Now write next one, first sentence from this exercise. Okay, now words we are taking, okay, nouns, we have to write their plurals. Okay, so first word is life. You tell me quickly, life ka plural banaiye फटाफट. क्या होगा बेटा? F है ना last में, एफ ई, तो एफ ई को रिमूव करके हम क्या ऐड कर देंगे? क्या ऐड करेंगे बेटा? वी ई एस. क्या ऐड कर देंगे? लाइव्स हो जाएगा. ठीक है. नाउ बी horse. horse का plural क्या होगा? horses. ठीक है. C देखिए, rupee.
रुपी का क्या होगा? रुपीज। ठीक है, रुपी का हो जाएगा रुपीज। अब डी देखिए, वुमेन। वुमेन का हो जाएगा विमिन। हेयर ओनली वन लेटर विल चेंज, MAN की जगह हो जाएगा MEN। ओके बेटा, ई ब्रश। ब्रश का क्या होगा बेटा? ब्रशेज। क्यों होगा? क्यों होगा? बिकॉज वी विल सी द एंडिंग लेटर्स ऑफ दिस नाउन SH, एंड वेयर नाउन एंड्स विद SH वी विल एड ES। ओके, देन F, डियर। डियर का प्रोनाउन बेटा डियर ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ओके, दिस इज द रूल। जी बॉक्स। ओके, सो टेल मी प्रोनाउन ऑफ बॉक्स क्या होगा? दिस नाउन इज एंडिंग शक्ति। सिट प्रॉपरली एंड डू योर वर्क। बॉक्स नाउन इज एंडिंग विद एक्स लेटर, दैट्स वाई वी विल एड ई एस। ओके, सो बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्स। ऑक्स का हो जाएगा बेटा ऑक्सन। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। ठीक है, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन। हैव यू डन? नाउ आई एम गोइंग टू रेज द बोर्ड। हो गया बेटा, ये भी हो गया। हो गया ना सबका? नाउ वी विल राइट आई वर्ड ग्लास। ग्लास, ओके। ग्लास का प्लूरल हो जाएगा ग्लासेस। वाई? बिकॉज दिस नाउन इज एंडिंग विद एस लेटर, दैट्स वाई वी विल एड ई एस इन दिस नाउन टू मेक इट प्लूरल। ओके बेटा, नेक्स्ट वर्ड इज
calf. Again F is coming here. So what will you do? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए? We will remove this F and add VES, calves. ठीक है? K fox. फॉक्स बनाइए, क्या बनेगा इसका? वी विल एड ES एट द एंड. ओके, फॉक्सेस क्या बन जाएगा बेटा? नेक्स्ट इज बैम्बू. बैम्बू को बनाइए. ये किससे एंड हो रहा है? ओ पे जाके एंड हो रहा है ना. तो क्या ऐड कर देंगे हम इसमें? ई एस, बैम्बूज. क्लियर हो रहा है? If you are not understanding any word, then you can ask to me. पूछ सकते हैं आप लोग. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेटा. Write down fast. Have you done beta? Now write next word, bench. Next word is bench. This noun is again ending with ch. Then what will you do? Give me answer beta. How will you make it plural? By adding ES. Okay. BENCHES, benches. Okay. Shop. Shop में क्या ऐड कर देंगे हम? सिंपल S. S H O P S, shops. Okay.
O match. Okay, match. See the last letters of this noun CH. We will add ES in this to make it plural. Matches. ठीक है. Next is dozen. D O Z E N. Dozens. We will add simple s to make it plural. Okay. Clear? Now Q. Plate. Plates. Okay, we will add simple s to make it plural. S लगा के हम इसको plural बनाएंगे. Plates. Okay. And the last word from this exercise is ball. We will add again s to make it plural. And it will become balls. B A double L S balls. Okay. So we have completed this exercise also. Have you done? Downside part. Have you done, beta? Erase कर दूँ ये नीचे वाला part. सबने कर लिया ना? शक्ति कर लिया बेटा? ये नीचे वाला इरेज कर दो. ओके, राइट इट डाउन फास्ट. फटाफट कर लीजिए इसको.
Now I'm erasing beta. हो गया ना? हो गया ना सबका? ओके, नाउ सी लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 4. सर्किल द प्लूरल. सर्किल द प्लूरल नाउन. In following sentences, ठीक है, let's see first sentence. The ladies. The ladies had watches. तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको मोर देन वन जो प्लूरल्स है उनको अंडरलाइन करना है. वैसे तो सर्किल करने को बोल रहा है बट मैं अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि सर्किल करने से बहुत घबला हो जाता है. ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन करिए. ठीक है, या अंडरलाइन लिख लीजिए या तो. अंडरलाइन द, ठीक है, प्लूरल. चलिए जल्दी से अंडरलाइन करके बताइए क्या इसमें प्लूरल. लेडीज है एक तो प्लूरल, वॉचेज है इसमें प्लूरल. ठीक है, फटाफट से राइट करिए. नाउ सी सेकेंड. द गर्ल्स The girls wore scarves. अब इसमें प्लूरल क्या है बेटा, इन दिस सेंटेंस गर्ल्स प्लूरल है एंड scarves. स्कार्फ होते हैं स्कार्फ, स्कार्फ का प्लूरल होता है scarves. ओके, सो दिस इज ऑल्सो प्लूरल. Now see next sentence. The dogs run after the ball. ठीक है, इसमें प्लूरल क्या है बेटा, डॉग्स प्लूरल एक तो, और बस एक ही प्लूरल है इसमें. सिर्फ डॉग्स प्लूरल है इसमें और कुछ भी प्लूरल नहीं है. ठीक है, Now write next sentence. Number D.
our books. Are on the tables. So which word is plural in this sentence? Two words, books and tables. These two words are plural in this sentence. Okay, beta. So your homework is you have to do all the work which we have done today. Learn and write CW. Okay? So this is your homework for today. Okay? Now I am closing my class here. We will meet in our next class. Thank you. Have a good day.